चलिए अब शुरू करते हैं आज कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। टेस्ट वन है कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो आंसर, फिर आगे देखो। ट्राई कर लिया आपने? ठीक है। इसमें पूछा है एक्स एंड वाई आर मोल ऑफ HIO4 कंज्यूम, कितने मोल HIO4 के कंज्यूम होंगे। तो पहले आपको ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ना वो पता होना चाहिए। देखो मैंने कैसे याद कर रखा है, डी ग्लूकोज, तीन OH राइट में, तीन OH नीचे से राइट में, बॉटम से ऊपर तीन OH राइट में, देन लेफ्ट देन राइट। ये है हमारा डी ग्लूकोज, और इसमें अगर हम HIO4 डालेंगे तो HIO4 क्या करता है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ना एडजेसेंट अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन को। तो कितने मोल ग्लूकोज में कंज्यूम हो रहे हैं, 5 मोल HIO4 के। सेम अपना फ्रुक्टोज होगा, फ्रुक्टोज में यहां कीटोन होगा ऊपर अल्कोहल होगा ना, तो ये तो ग्लूकोज है। और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले दो कार्बन सेम होते हैं ना, डिफरेंट होते हैं, लास्ट के 4 कार्बन सेम होंगे, ग्लूकोज हो चाहे फ्रुक्टोज हो। ये हमने बनाया डी फ्रुक्टोज। इसमें बताओ HIO4 के कितने मोल कंज्यूम होंगे, इसमें 5 मोल कंज्यूम होंगे, है ना। डी फ्रुक्टोज एंड डी ग्लूकोज में 5 मोल कंज्यूम होंगे। तो आंसर कितना रहा हमारा, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी 25 प्लस 25, यानी 50। समझ गया आप, ये अपना 50 रहेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट ट्राई करो, पॉज करो वीडियो, ट्राई करो। चलो अपने को बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टार्च एंड सेलुलोज है C1C4 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। C1C4 मतलब पहले मोनोमर, पहले कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट कार्बन और दूसरे का फोर्थ कार्बन से वाटर निकल के ईथर बनता है ना, C1C4। तो स्टार्च और सेलुलोज तो C1C4 लिंकेज होते हैं। यस, आप पढ़ो एक बार NCERT में पढ़ लो, स्टार्च की डेफिनेशन क्या है, सेलुलोज की डेफिनेशन क्या है। सेलुलोज किसका पॉलीमर है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, है ना। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग सुगर, ये भी करेक्ट है ना, क्योंकि सुक्रोज के अंदर हेमी एसिटल नहीं होता है, नॉन रिड्यूसिंग है। डी फ्रुक्टोज एंड डी फ्रुक्टोज कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड बाय, ये आंसर होगा। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। व्हाई इनकरेक्ट बताओ, बिकॉज Br2 वाटर इज यूज टू डिफ्रेंशिएट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज में Br2 वाटर डालते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एल्डिहाइड। यानी अगर हम एल्डिहाइड में Br2 वाटर डालें, बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड बाय, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज को मैंने कैसे याद कर रखा है, ये एनोमेरिक कार्बन है ना, अबाउट द प्लेन OH, बिलो द प्लेन, अबाउट द प्लेन, बिलो द प्लेन, यानी ऐसे याद कर रखा है मैंने, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज AB AB, हमेशा आपको राइट में रखना है फर्स्ट कार्बन को, अबाउ द प्लेन OH, बिलो द प्लेन OH, अबाउ द प्लेन OH, बिलो द प्लेन OH, ठीक है, इस तरीके से याद रखो। और अगर मैं बोलूंगा कि अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज बनाओ, तो आप क्या करोगे, इस फर्स्ट कार्बन के HOH को चेंज करोगे, तो वो बीटा का क्या बन जाएगा, अल्फा। अभी तो ये बीटा है, इसको चेंज किया तो वो क्या बन जाएगा हमारा, अल्फा। तो इसको आप अच्छे से याद रखो, है ना, कैसे भी याद करो, AB AB, मतलब ऐसे याद करो ना, ऐश्वर्या बच्चन अभिषेक बच्चन, है ना, ऐश्वर्या बच्चन अभिषेक बच्चन, अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन, अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन, समझ गए। नेक्स्ट ये बताओ, डी ग्लूकोज, पहले आप, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने कैसे याद कर रखा है, नीचे से 3 कार्बन के OH राइट में, नीचे से 3 OH राइट में, फिर लेफ्ट राइट, और यहां अगर एल्डिहाइड होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, डी ग्लूकोज, और इसमें Br2 वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, अभी जस्ट बताया था आपको, Br2 वाटर डालोगे तो डी ग्लूकोज का क्या बनेगा, डी ग्लूकोनिक एसिड, है ना।
ये तो अच्छा, ये तो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये देखो ये स्ट्रक्चर है, इसका ऑक्सीडेशन करोगे ये बन जाएगा, समझ गए आप? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी कार्बोहाइड्रेट? अच्छा डीएल कैसे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट में, विद रेस्पेक्ट टू दैट कार्य सेंटर विच इज अवे फ्रॉम फंक्शन ग्रुप, यानी लास्ट कार्य सेंटर के रेस्पेक्ट में देखेंगे, और डीएल देखने के पहले कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब क्या है, एलडीहाइड टॉप पे होना चाहिए, मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए, तो एलडीहाइड टॉप पे है, मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल लाइन पे है, लास्ट कार्बन में OH लेफ्ट में है तो L, लास्ट कार्बन में OH राइट में है तो D, आपको लास्ट कार्बन देखना है, लेफ्ट में OH L, राइट में है तो D। अच्छा ये जो है ये प्रॉपर फिशर नहीं है, पहले प्रॉपर फिशर बनाना है, प्रॉपर फिशर से मतलब मैक्सिमम कार्बन ऑन वर्टिकल लाइन, ज्यादातर कार्बन वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए, कार्बन कंटेंट फंक्शन ग्रुप टॉप पे होना चाहिए, यानी हमें फिशर को 180 डिग्री से घुमाऊंगा, पहले 180 रोटेशन इन द प्लेन इज अलाउड, ये क्या बनेगा CHO और फिर ये OH इधर आएगा, तो ये H बन गया, ये H आया, ये OH आया, ये CH2OH आया, ये लास्ट कार्य सेंटर का OH लेफ्ट में है, यानी ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है हमारा L, समझ रहे हो? ये भी प्रॉपर फिशर नहीं है, तो किसी भी कार्य सेंटर पे आप कितने पेयर चेंज करने पर वो आइडेंटिकल रहता है, इवन पेयर चेंज, आप इवन पेयर चेंज कर सकते हो, तो मैंने एलडीहाइड OH को चेंज किया, OHH को चेंज किया, चेंज क्यों किया, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉपर फिशर, देन वी कैन कमेंट ऑन डीएल। तो OH हमारा लेफ्ट में आ गया, ये कौन सा कॉन्फिगरेशन हुआ बताओ, L। अच्छा D में ये प्रॉपर फिशर है और OH हमारा लास्ट में है, यानी ये डी कार्बोहाइड्रेट है, समझ गया आप? ठीक है चलो, नॉट ट्रू, ग्लूकोज नॉट ट्रू, इट इज ए एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज मतलब एल्डिहाइड और सिक्स कार्बन का कार्बोहाइड्रेट, यस इट इज करेक्ट, ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म एन हेक्सेन, रेड पी HI के साथ रिडक्शन होकर एन हेक्सेन बनेगा, ये भी करेक्ट है, इट प्रेजेंट इन फ्यूरोनेस फॉर्म, नहीं, ग्लूकोज तीन फॉर्म में इक्विलिब्रियम में रहता है ना, एक हमारा ओपन चेन, एक अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज और बीटा डी ग्लूको पायरेनोज, फ्यूरेन मतलब कितने मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, पायरेन मतलब 6 मेंबर रिंग, तो ये गलत है, इट डज नॉट गिव ट्रू फॉर डीएनपी टेस्ट, ये राइट है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि ये फ्यूरेनेस फॉर्म जो है ये गलत है, यहां क्या होना चाहिए पायरेनेस, पायरेनोज सॉरी। सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट कौन है, ट्राई करो इसको, ट्राई कर लिया, विच आर द फॉलोइंग इज डी ग्लिसरल्डिहाइड, इनमें से कौन सा डी ग्लिसरल्डिहाइड है, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है हमारा, लोवेस्ट मॉलिकुलर मास कार्बोहाइड्रेट, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है ना, तो अब आप मुझे ये बताओ कि इसको प्रॉपर फिशर बनाना पड़ेगा ना, तो इसमें अपन प्रॉपर फिशर के लिए कितना पेयर चेंज करेंगे, इवन OH इधर CH2OH इधर, फिर CH2OH नीचे आएगा, इसका प्रॉपर फिशर ऐसे बनाएगा और आपको इवन पेयर चेंज करने, बिकॉज इवन पेयर में वो आइडेंटिकल रहता है, तो ये क्या बन गया हमारा L, है ना, इसी में CH2 LDH ऊपर गया, H नीचे आया, फिर H इधर गया, CH2OH इधर आया, तो ये भी L है, इसमें इसको 180 से घुमाएंगे तो OH इधर आएगा, प्रॉपर फिशर बनेगा, ये बन गया हमारा D, यानी आपको DL निकालने के पहले क्या करना है, प्रॉपर फिशर बनाना है, प्रॉपर फिशर का मतलब क्या, मैक्सिमम कार्बन ऑन वर्टिकल लाइन एंड कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप टॉप पे होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप टॉप पे होना चाहिए, ठीक है ना, चलो 7 बताओ, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बताओ किसमें प्रेजेंट है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता क्या है, अगर आपको पता नहीं है तो डेफिनेशन पढ़ो फिर ट्राई करो, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज ए ईथर लिंकेज बिटवीन टू कार्बोहाइड्रेट, दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में वाटर निकाल के जो ईथर बनाते हैं ना वो होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो वो सुक्रोज में भी होता है, डाइसैकेराइड है, माल्टोज भी डाइसैकेराइड है, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है, सब में होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी, ऑल हैज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मीन्स विच फंक्शन ग्रुप लिंकेज, ईथर लिंकेज, ठीक है बताओ, पॉज करो वीडियो ट्राई करो, ये बताओ क्या पूछा है,
बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। पहले बताओ पायरेन मतलब क्या होता है भाई? फ्यूरेन मतलब होता है फाइव मेंबर रिंग, अपन बोलते हैं ना फ्यूरेन, इट इज ए फ्यूरेन फाइव मेंबर रिंग। और ये जो हम सिक्स मेंबर रिंग बनाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? पायरेन। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बताओ पायरेन और अपने को फ्यूरेन पायरेन बनाना है सिक्स मेंबर रिंग, यानी ये गलत हो गया ये गलत हो गया बिकॉज ये तो फाइव मेंबर रिंग है। इन दोनों में से हमको बीटा बनाना है। अभी अभी मैंने आपको याद करवाया था बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, कैसे याद करवाया था आपको याद है? ए बी ए बी, पहले पहला ए बी क्या था? ऐश्वर्या बच्चन था या अभिषेक बच्चन था? बाद वाला ए बी क्या था बताओ? पहला था ऐश्वर्या बच्चन, दूसरा था अभिषेक बच्चन। ठीक है, ऐश्वर्या बच्चन को अपने को पहले रखना है। ठीक है, ये बताओ अब कैसे? अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन, ए अबाउ द प्लेन बी बिलो द प्लेन, ए मीन्स अबाउ द प्लेन बी मीन्स बिलो द प्लेन। स्टार्ट कहां से करना है? हमेशा राइट हैंड साइड कार्बन से। तो ये हमारा बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज है, समझ गए? क्या आंसर रहेगा बताओ? ओसा जोन कैसे बनता है? ओसा जोन जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें हम यूज करेंगे थ्री मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन, तो यहां से ये वाटर निकल जाएगा। फर्स्ट सेकेंड कार्बन ओसाजोन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? प्लस एनिलीन प्लस एमोनिया, इसको बोलते हैं। जैसे ये मान लो डी ग्लूकोज है, ये अगर डी ग्लूकोज है तो राइट वाले को क्या बोलेंगे बताओ? ओसाजोन ऑफ डी ग्लूकोज। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कितने मोल कंज्यूम होते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन के? थ्री मोल। और किस कार्बन पे रिएक्शन होती है ओसाजोन में? फर्स्ट एंड सेकंड। किस कार्बन के कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होते हैं? थ्री फोर फाइव सिक्स बताओ। अच्छा, एसिटल का मतलब क्या और हेमी एसिटल मतलब एक कार्बन पे दो ईथर, ये एसिटल है ना, ये सिक्स मेंबर रिंग है ए बी ए बी, ये किसका याद किया था हमने? बीटा का। लेकिन इसमें ये अबव द प्लेन ये बिलो द प्लेन है, तो अल्फा बीटा कैसे देखते हैं? अल्फा बीटा विद रेस्पेक्ट टू एनोमेरिक कार्बन, ये हमारा एनोमेरिक कार्बन है, इसमें अगर अबव द प्लेन है तो बीटा, बिलो द प्लेन है तो ऑक्सीजन, बिलो द प्लेन है तो अल्फा। ऐसे ये भी एनोमेरिक कार्बन है, इसमें अबव द प्लेन है तो ये हम बीटा बोलेंगे इसको। अल्फा बीटा इज डिसाइडेड बाय एनोमेरिक कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ ईथर, मेनली वैसे होता है। तो रिंग ए इज एसिटल करेक्ट है, एंड अल्फा कॉन्फिगरेशन करेक्ट है, हेमी ये है हेमीएस्टल एंड द बीटा कॉन्फिगरेशन ये करेक्ट है, इसमें ए वाला करेक्ट है हमारा। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन किसको बोलते हैं? जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन था ओपन चेन में। बताओ अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। अभी मैंने आपको बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज बताया था, कैसे बताया था? याद करने का स्ट्रक्चर ए बी ए बी, और अगर हम अल्फा बनाएंगे तो इसमें क्या आएगा बताओ? अल्फा में ए की जगह क्या आएगा? बी बी ए बी, बिलो द प्लेन अबव द प्लेन, यानी सिर्फ एनोमरी कार्बन का जो एच ओ एच चेंज करेंगे ना तो उसको बोलते हैं अपन एनोमर्स। एनोमर्स की डेफिनेशन क्या है? एनोमर्स आर टू कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट कॉन्फिगरेशन अक्रॉस दैट कार्बन विच इज फंक्शनल ग्रुप इन ओपन चेन कंपाउंड। दो कार्बोहाइड्रेट उसमें वो कार्बन अलग होना चाहिए जो कि फंक्शनल ग्रुप था ओपन चेन कंपाउंड में। इसको और बेटर समझने के लिए तो ये क्वेश्चन में आया था, ये एग्जाम्पल लो देखो। ठीक है, ये और ये एनोमर्स हैं, ये दोनों एनोमर्स हैं। कैसे? ये जो कार्बन है अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा ना ओपन चेन में, यानी आप ऐसे बोल सकते हो ग्लूकोज में सीवन कार्बन इज एनोमरिक कार्बन। एनोमर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अपर कार्बन। तो अगर ग्लूकोज को देखोगे तो सबसे ऊपर वाला कार्बन कौन सा? एल्डिहाइड वाला कार्बन है ना, तो वही तो है एल्डिहाइड वाला कार्बन। तो अगर मैं इस कार्बन पे एच ओ एच चेंज करता हूं तो ये जो दोनों बनेंगे इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? एनोमर्स।
एनोमर की डेफिनेशन क्या है? एनोमर आर टू सुगर्स, दो कार्बोहाइड्रेट, डिफरेंट कॉन्फिगरेशन अक्रॉस दैट कार्बन विच इज फंक्शनल ग्रुप इन ओपन चेन कंपाउंड। यानी ग्लूकोज में एनोमरिक कार्बन कौन होगा? जो C1 कार्बन चेंज होगा। फ्रुक्टोज में एनोमरिक कार्बन कौन सा होगा? जो C2 कार्बन चेंज होगा। गॉट इट? समझ में आया ये? चलो आएगा, आएगा, जरूर आएगा। चलो ये शानदार क्वेश्चन आ गया, अब तो देखो इतना पढ़ाया और इसी पे क्वेश्चन आ गया। बोलो रिप्रेजेंट द एनोमर, इसका एनोमर बनाना है आपको, तो क्या करेंगे? ये एनोमरिक कार्बन है, HOH चेंज कर दो, ये HOH चेंज, और बाकी सब कांस्टेंट होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है ना। जैसे ये देखो इसमें ये वेरिएबल होगा ना, ये चेंज नहीं कर सकते, ये सब कांस्टेंट होंगे, और ये वाला चेंज होगा, तो हो गया हमारा एनोमर। ट्राई करो, कार्बोहाइड्रेट में तीन चीजों को आप अपने दिल में बिठा लो, ठीक है? कौन सी तीन चीजों को दिल में बिठाना है आपको? देखो ये जो अभी मैंने बनाया है, लास्ट के तीन OH राइट में, फिर लेफ्ट एंड फिर राइट, ये कौन है हमारा? डी ग्लूकोज, है ना। अब डी मैनोस क्या होता है? लास्ट के तीन OH राइट में, फिर लेफ्ट और फिर लेफ्ट ही रहेगा, ये हो गया हमारा डी मैनोस। फिर फ्रुक्टोस क्या होता है? ये हमारा डी फ्रुक्टोज, अब आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है, लास्ट के फोर कार्बन सेम है, ये फोर कार्बन, ये फोर कार्बन, ये फोर कार्बन, ये आइडेंटिकल है। अगर मैं ऊपर वाला छुपा लू ना, ऊपर वाला ये छुपा लू ऐसे, तो आप नहीं बता सकते कि सेकेंड थर्ड फोर, वैसे थ्री होगा, सॉरी वन टू तो हो चुके हैं ना, थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स का तो कोई मतलब नहीं है, वो कार्य सेंटर नहीं है, मेनली क्या है, थ्री फोर फाइव जो है कांस्टेंट होंगे। अच्छा मैं पूछूं डी गुल, तो आंसर क्या हुआ? विच कॉन्फिगरेशन रिमेन सेम? थ्री फोर फाइव। डी ग्लूकोज और डी मैनोज में क्या रिलेशन है? इन दोनों में रिलेशन है सी टू इपीमर। एनोमर क्यों नहीं है? एनोमर तो फंक्शन ग्रुप वाले इस कार्बन C1 पे होते हैं एनोमर। इपीमर की डेफिनेशन क्या है? इपीमर आर टू कार्बोहाइड्रेट विच आर डिफरेंट कॉन्फिगरेशन अक्रॉस दैट कार्बोहाइड्रेट। इपीमर आर टू कार्बोहाइड्रेट, या ऐसे बोलो इपीमर आर डायस्टीरियोमर विच आर डिफरेंट कॉन्फिगरेशन अक्रॉस दैट कार्बन विच अक्रॉस वन ऑफ द कार्बन। इपीमर आर डायस्टीरियोमर डिफरेंट कॉन्फिगरेशन अक्रॉस वन ऑफ द कार्बन, ऐसे बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इपीमर डायस्टीरियोमर है जिसमें सिर्फ एक कार्बन कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए, तो ये दोनों इपीमर हैं क्योंकि इसमें एक कार्बन कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ मैनोज और फ्रुक्टोज में क्या रिलेशन है? मैनोज एंड फ्रुक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर। अब आप बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज? डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज में क्या रिलेशन है? स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये भी है हमारे फंक्शनल आइसोमर। कीटो एनएलडीएड फंक्शनल आइसोमर है। तीनों स्ट्रक्चर याद करने हैं, तीनों को दिल में बिठाना है एकदम। इसका बताओ स्ट्रक्चर ऑफ बीटा एल ग्लूकोपाइरानोज, वीडियो पॉज करो ट्राई करो। इसमें बोल रखा है कि भाई बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज का ये स्ट्रक्चर है, अल्फा का क्या होगा? इसकी मिरर इमेज, तो सारे कार्बन पे HOH चेंज कर लेते हैं ना हम लोग, यानी इस पे चेंज करें, ये नीचे जाना चाहिए, ये ऊपर,
फिर ये नीचे ये ऊपर, तो ये देखो ये नीचे जा रहा है, फिर ये OH ऊपर, ठीक है ये नीचे ये ऊपर, और ये भी तो चेंज होना चाहिए, ये मिरर इमेज नहीं है। ऐसे यहाँ पे आएगा हमारे पास ये नीचे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर ये नीचे, तो आएगा हमारा डी। चेक कर लेना कोई गड़बड़ तो नहीं की मैंने, चेंज 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 चेंज, इसको देखें इसमें ये सेम आ रहा है ना, ये इसलिए गलत हो गया, ठीक है ना। मैंने मिरर इमेज बना दी, मिरर इमेज कैसे बनाई मैंने, सभी कार्बन कार्बन सेंटर पे एक एक पेयर चेंज कर दिए, 1 2 3 4 5 सभी का पेयर चेंज किया, तो सभी का आर का एस कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। 15 बताओ, 15 में कैसे करेंगे, सोच लिया आपने, वीडियो पॉज करो सोचो। चलो वीडियो पॉज करेंगे तो ये एल्डिहाइड एसिड का क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और अभी मैंने आपको बताया था ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, ओसाजोन, ओसाजोन में फिनाइल हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम होते हैं, 3, तो आंसर क्या रहेगा इसका, 3 मोल विल कंज्यूम, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के लिए कॉन्फिडेंस और अच्छा होने के लिए आप एक और काम करो, एक बार आप आज के लेक्चर के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग फिर से लगाओ, है ना, आपने जिस भी कोचिंग में पढ़ाई की है वहां के नोट्स पढ़ो एक बार, उसको एक बार थोरली कार्बोहाइड्रेट को वापस पढ़ो, पहले क्विज को करो, इसके जो जो चीजें बताई मैंने उसको करो, फिर नेक्स्ट क्विज में और नेक्स्ट क्लास टेस्ट और लूंगा ना उनको भी करना, एक नेक्स्ट क्लास टेस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल के पहले आप कार्बोहाइड्रेट के अंदर एनसीईआरटी की रीडिंग लगा के आ जाओ, है ना, तो आपको एकदम चैप्टर फटाक से होगा, ठीक है। और वीडियो शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, दोस्तों को जरूर बताना है, ठीक है, जितने ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा उतने मुझे ज़्यादा खुशी होगी इसकी, ठीक है, और आपकी गुरु दक्षिणा भी यही है, और पूरा आपने क्विज अटेम्प्ट किया अच्छे से तो डन जरूर लिखना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।